सो हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सो फिलहाल के लिए हम काफ़ी दिनों बाद यूट्यूब पे आज हम वीडियो आप लोगों के लिए लाए हैं, और काफ़ी दिनों बाद यहां पर आप लोगों के लिए प्रैक्टिकली वीडियो हर बार हुआ करता था, इस बार थोड़ा सा थियोरटिकल वीडियो है। आज स्टूडेंट जो हम वीडियो बनाने वाले हैं, आज हम चर्चा करने वाले हैं इस टॉपिक पे, वो टॉपिक का नाम है HSC बोर्ड का जो हमारा बायोलॉजी का एग्जाम हो रहा है उसमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंस के बारे में हमें जानना है। कि बच्चों का कहना है कि सर इसमें इम्पॉर्टेंस बताइए कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा आने की संभावना है। देखिए बच्चा, हमने पेपर तो सेट किया नहीं है। सो फिलहाल के लिए कह दूँ कि इम्पॉर्टेंस के हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ कि हाँ, इसके आने के ज़्यादा चांसेस है और इसको आप पढ़कर जाइए। सो मोस्टली वो सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जिस हिसाब से हम पिछले काफ़ी दिनों से पढ़ा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें एक तरह का एक्सपीरियंस हो चुका है कि कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ सकते। तो इस हिसाब से आपको आज मैं इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूँ कि आज हमारे HSC बोर्ड बायोलॉजी में 12th स्टैंडर्ड के टोटल 15 चैप्टर्स हैं। उस पूरे 15 चैप्टर्स में से कौन कौन से इम्पॉर्टेंट हैं, कौन से हमें पढ़ने हैं और कौन से हमें नहीं पढ़ने हैं, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। बात इतना ही नहीं स्टूडेंट, इसके अलावा आप ये मत सोचिए कि सिर्फ एक चैप्टर पे वीडियो बन रहा है, सिर्फ इस पे हमें देखना है और इम्पॉर्टेंस जानना है। नहीं, इसके अलावा आप लोगों को एक्स्ट्रा चीजें भी हमें मुझे बतानी है। देखिए स्टूडेंट, पहली चीज तो हम इम्पॉर्टेंट के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या क्या इम्पॉर्टेंस हैं, क्या पूछे जा सकते हैं और क्या हमें पढ़ना है। और सेकंड चीज है, हम आज बात करने वाले हैं कि हमें एग्जाम में चीजों को लिखना कैसे है। देखिए, हमें किसी भी टॉपिक पे एग्जाम में पूछते हैं, लाइक क्लोरोप्लास्ट के डायग्राम के बारे में डिस्कस करना होता है, डिटेल में बताना होता है, बराबर। या तो कोई क्वेश्चन को ब्रीफ में पूछ लिए, या किसी MCQ के बारे में पूछ लिए, या वन सेंटेंस पूछ लीजिए, बराबर। सो कई तरह के अलग अलग प्रश्न हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। तो हम सारे बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ एग्जाम में क्वेश्चन पूछा आंसर लिख देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं लिखना है। मैं आप लोगों को बताऊंगा स्टूडेंट कि आप लोगों को किस तरह से अपने आंसर की डिलीवरी करनी है, अपने आंसर को आंसर शीट में लिखना है। मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि स्टूडेंट, आप अगर थोड़ा भी लिखोगे तो भी आपको डेफिनेटली मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, मेरी बात पे भरोसा करो। और ये मैं सिर्फ बनाकर एक हाइपोथेटिकल नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रैक्टिकली मैंने खुद के भी लाइफ में खुद के लिए भी किया है कि आपको आंसर इस तरीके से डिलीवर करना है कि आपको वो सारे मार्क्स आराम से टीचर मजबूर हो जाए आपको मार्क्स देने के लिए। याद रखिएगा, पहली चीज हम इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे, सेकंड पॉइंट हाउ टू डिलीवर योर आंसर इन आंसर शीट। आंसर शीट में आप अपने आंसर को कैसे डिलीवर करोगे, कैसे आप अपना प्रेजेंटेशन दोगे कि आपके सामने वाला जो टीचर कॉपी चेक कर रहा है वो आपको मार्क्स देने के लिए मजबूर हो जाए। थर्ड पॉइंट, हम बात करने वाले हैं एक और टॉपिक के बारे में कि डायग्राम और थियरी के बारे में। कभी कभार क्या होता है स्टूडेंट, हम डायग्राम तैयार कर लेते हैं हमें थियरी नहीं पता होता है, या हम थियरी तैयार कर लेते हैं डायग्राम नहीं पता होता है। तो क्या चीजें लिखें कि हमें मार्क्स मिले, या थियरी ही डिलीवर करना है, या डायग्राम करना है, या दोनों चीजें लिखनी है, इसके बारे में भी मैं बात करने वाला हूँ। और चौथा पॉइंट हम बात करने वाले हैं कि स्टूडेंट एग्जाम के एक घंटे पहले या दो घंटे पहले हमें क्या सोचना है और क्या करना है जिसकी वजह से हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड बना रहे। ये चार चीजों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं स्टूडेंट। याद रखिएगा, ये आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको 2 से 3 पार्ट में वीडियो बन सकता है, और यह वीडियो आपको पूरी तरह से देखना है अगर आपको अच्छा खासा मार्क्स बायोलॉजी में चाहिए तो। मैं नहीं कहता कि आपको पढ़ने नहीं पड़ेंगे, आपको पढ़ने पड़ेंगे, बट आपकी कम मेहनत की वजह से आपका प्रेजेंटेशन इतना बेहतर होगा कि आप जरूर मार्क्स ला दोगे, ये गारंटी है। सो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले इम्पॉर्टेंस के बारे में। सो एक बार फिर मैं अपने YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत करना चाहूंगा, और फिलहाल आज हम थियोरटिकल वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं। सो प्लीज, जितने भी HSC के हमारे स्टूडेंट्स हैं, प्लीज आप पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट करके जरूर देखिएगा। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर HSC बोर्ड का ऑलरेडी बुक मैंने मार्क कर रखा है कि कौन कौन से क्वेश्चन, कौन कौन से टॉपिक पे ज्यादा पूछे जा सकते हैं।
तो आपको उस चीजें मैं पहले सॉल्व कर देता हूँ, दिखा देता हूँ, आप उसे देखिए, उसके बाद आप मार्क करते जाइए बुक में। उसके बाद जो भी चीजें मैंने बताया कि कैसे आंसर को प्रेजेंट करना है, कैसे एग्जाम के पहले हमें क्या करना है कि चीजें हमें याद रहे, डायग्राम लिखना है या थियरी लिखना है, इस सब की बातें होंगी, बट आपको वीडियो में बने रहना है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले बात करूंगा स्टूडेंट इस HSC बोर्ड के बुक के बारे में। आप देख सकते हो आपके इस पूरे चैप्टर में, यानी कि पूरे इस HSC बोर्ड में टोटल 15 चैप्टर्स दिखाई दे रहे हैं, और इस पूरे 15 चैप्टर में आपको रिड्यूस सिलेबस ऑलरेडी दिया है। तो बच्चे फिर भी कह रहे हैं कि सर रिड्यूस में भी हम क्या प्रिपेयर करें जिसकी वजह से हम बेहतर मार्क्स ला सकें। तो मैं रिड्यूस सिलेबस जो है उसी के अकॉर्डिंग डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा फर्स्ट चैप्टर के बारे में स्टूडेंट, जिसमें रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हाइयर प्लांट के बारे में बात होगी। ध्यान दीजिएगा, इसमें आप लोगों का बच्चा फायदा है, आप लोगों के लिए ही ये किया जा रहा है। ठीक है, सो चलिए वीडियो में बने रहिए, हम स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हाइयर प्लांट्स में क्या हमें पढ़ना है। चलो, सो यहाँ पे रिप्रोडक्शन इन लोअर हाइयर प्लांट्स में अगर देखा जाए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो फर्स्ट वाला पेज है पूरा रिड्यूस करवा दिया गया है। उसके बाद सेकंड वाले अगर आप पेज में आते हो तो वहां पर भी चीजें रिड्यूस हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है और इसी के बारे में हमें बात करना है, और यहीं से स्टार्ट करना है कि कौन कौन सी चीजें हमें पढ़नी है, कौन सी चीजें हमें नहीं पढ़नी है। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। यहाँ पे स्टूडेंट अगर आप देखें तो सबसे पहले यहाँ पे रेड कलर से मैंने मार्क किया है, आप बुक प्लीज लेकर बैठिएगा जिसे आप लाइव वीडियो में मार्क कर सको, अदरवाइज आप बाद में भी कर सकते हो, लेकिन आपके सामने बुक रहेगी तो आप वीडियो को पॉज करके आप मार्क कर सकते हो। यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले जो मैं रेड पेन से मार्क किया हूँ यहाँ पे, और मैंने राइट का सिंबल लगाया है, वो चीजें आ सकती हैं और ये इम्पोर्टेंस है और आपको एग्जाम के लिए इसे प्रिपेयर करना है, और जो चीजें मैंने क्रॉस कर दिया है वो चीजें आपको नहीं करनी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले यहाँ पे आपको फ्लावर का डायग्राम देकर फ्लावर के पार्ट्स पूछ सकते हैं। उसके बाद दूसरा यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ एंथर में, ये दोनों डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने ये भी मार्क किया है इसमें कौन कौन सी चीजें हमें पढ़नी है, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर, टीएस ऑफ एंथर एंड स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। इसके बाद सेकेंड पेज पे आते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे अगर देखें तो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज याद रहे, यहाँ पर उसके बाद वाला जो टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे 2 मार्क्स का डायग्राम में पूछा जा सकता है, ये डायग्राम आने के बहुत ज्यादा चांस है, एनाट्रोपस ओव्यूल। याद रखिएगा ये जो जो चीजें मैंने मार्क किए हैं, प्लीज स्टूडेंट इसको आप ध्यान रखिएगा और इसे करना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फर्टिलाइजेशन का पूरा स्टेप एक्सप्लेन किया गया है। इन केस अगर आप डबल फर्टिलाइजेशन, सॉरी फर्टिलाइजेशन नहीं, फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में बताया गया है, यानी मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में, अगर आपको डिटेल में लिखने नहीं आ रहा है स्टूडेंट, तो आप ये डायग्राम को एग्जाम में बना सकते हो। इससे आपको टोटल 4 मार्क्स में से 3 मार्क्स देना ही पड़ेगा टीचर को। क्यों? क्योंकि आपने डायग्राम बनाया है, बट वो डायग्राम आपका बेहतर होना चाहिए, और इस डायग्राम में जितनी भी नेमिंग है और नीट और क्लीन होना चाहिए, तभी आपको पूरे डायग्राम के मार्क्स मिल जाएंगे। तो प्लीज अगर आपको नहीं थियरी करने होता तो आप डायग्राम जरूर रखिएगा। जैसे मैंने अभी कहा था कि बच्चे डाउट में आते हैं सर थियरी पढ़ना है या डायग्राम पढ़ना है, दोनों पढ़ना है, बच्चा पढ़ना तो दोनों है, लेकिन इनकेस आपसे थियरी नहीं हो रही है, आपको, आप हिंदी मीडियम से होते हो, आपको लिखने का थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे मार्क्स लॉस हो जाएंगे, तो एक काम कीजिए, आप डायग्राम बनाकर आइए, आप 1 सेंटेंस के आंसर लिखिए, लेकिन जो शॉर्ट नोट और ब्रीफ में क्वेश्चन आंसर पूछते हैं, डिटेल में डिस्क्राइब करने को पूछते हैं, अगर आपको इसके डायग्राम पता है तो आप प्लीज डायग्राम बनाकर आइए, और डेफिनेटली आप उस डायग्राम के ऊपर थोड़ा तो खुद से लिख सकते हो, अगर उतना नहीं लिख सकते तो प्लीज आप सिर्फ डायग्राम को ड्रॉ करके आ जाओ। ठीक, तो चलो यहाँ पे डायग्राम करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या क्या चीजें मैंने मार्क किया है, डेवलपमेंट फीमेल गैमेटोफाइट, पॉलिनेशन। उसके बाद इस 6 नंबर पेज पे जिटेनोगैमी, ऑटोगैमी, और इसके बाद यहाँ पे दिया है जेनोगैमी, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, उसके बारे में बताया गया है।
और पॉलिनेशन कराने के लिए जो एजेंट्स होते हैं बायोटिक और अबायोटिक, इनको आपको तैयार कर लेना है। याद रहे इसमें बहुत डिटेल में दिया है एपी हाइड्रोफिली और उसके बाद फिर इंटरमोफिली, तो जितने भी अलग अलग दिए हैं ना आपको डिटेल में नहीं करना है, यहाँ पे मैंने मार्क करके आपको दिया है कि आपको इतना ही करना है। देखिए मैंने यहाँ पे रेड पेन से मार्क किया है, आप इतना ही लिख कर आइए। बस आपका लिखने का जो प्रेजेंटेशन का तरीका है मैं बताऊंगा, वैसे ही आपको लिख कर आना है। ठीक, यहाँ पे देखिए सेकेंड पॉलिनेशन हाइड्रोफिली, बायोटिक एजेंट में पॉलिनेशन एंटमोफिली, एपी हाइड्रोफिली और हाइपो हाइड्रोफिली। उसके बाद यहाँ पे बैट के थ्रू किस तरीके से पॉलिनेशन होता है, यहाँ पे ऑर्थिनो यानी बर्ड्स के थ्रू कैसे पॉलिनेशन होता है, इसके बारे में कितना लिखना है वो भी मैंने मार्क करके दिया है। और उसके बाद आ जाते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइस पे, मतलब कौन कौन सी चीजें हैं जो प्लांट को दूसरे प्लांट के साथ कॉपुलेट यानी पॉलिनेशन कराने के लिए मजबूर कर देते हैं। सो दैट इज आउटब्रीडिंग डिवाइस, जिसमें यूनिसेक्सुअलिटी, ये वन सेंटेंस के लिए आ सकता है स्टूडेंट, डाइकोगैमी और यहाँ पे और दिया है प्रीपोटेंसी, हेट्रोस्टाइली, हर्कोगैमी और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक, ये जितने भी टॉपिक है इसे कर लीजिएगा। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे राइट हैंड साइड पे पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन का दिया है, इसे आपको नहीं करना है, इसके ज्यादा आने के चांस नहीं है और ये क्वेश्चन पे ज्यादातर पूछा नहीं जाता। सो पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन जो मैंने क्रॉस किया है उसे आप नहीं करना है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी किया था और यहाँ पे देखिए एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल, ये भी मैंने क्रॉस किया है, इसे भी नहीं। हाँ स्टूडेंट, यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन आपको करना है और ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है डबल फर्टिलाइजेशन का, उसके साथ साथ थियरी भी। अगर आप थियरी नहीं कर पा रहे तो प्लीज डायग्राम पे ध्यान दीजिए, बायोलॉजी आपका 50% 40-50% मार्क्स आपका डायग्राम दिला सकता है, तो प्लीज आप डायग्राम पे फोकस कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, तीन तरह के एंडोस्पर्म डेवलप होते हैं, न्यूक्लियर, सेलुलर और हेलोबियल। सो ए एंडोस्पर्म के स्ट्रक्चर को ध्यान रखिएगा और सबके बारे में 2-3 लाइन आपको लिखना है। ठीक, और उसके बाद न्यूक्लियर डेवलपमेंट एम्ब्रियो नहीं करना है, एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन जेनेसिस इसको मैंने क्रॉस किया है बच्चा, इसको नहीं करना है। ठीक है, अगर आपको शौक है तो आप प्लीज कर सकते हो, कोई दिक्कतें नहीं है, बट चांसेस आने के बहुत कम है। दूसरी चीज मेज सीड, मोनोकॉट का मेज सीड, ये ध्यान रखिएगा, इसे आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ये आने की बहुत ज्यादा चांस हो सकते हैं। ठीक है, सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैंने मार्क किया है, ये सब बैठ कर मैंने इत्मीनान से किया है स्टूडेंट। लाइव वीडियो में मार्क इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को समझाने के चक्कर में बहुत सारी चीजें होंगी जो नहीं कर पाऊंगा, और दूसरी चीज यहाँ पर अगर मैं मार्क भी कर रहा हूँ तो शायद काफी समय भी लग जाए मुझे पढ़कर करना पड़े, इसलिए मैंने प्रायर थोड़ा समय लेकर इसको मैंने मार्किंग किया है, तो आप उसे ध्यान दीजिए। अपोमिक्सिस, सिग्निफिकेंस सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, अपोमिक्सिस क्या होता है, ठीक इसके बारे में, और जो जो यहाँ पे क्रॉस किया है एडवेंटिटी नॉन निकरंट अपो रिकरंट अपोमिक्सिस नहीं, अपोमिक्सिस के बारे में आपको पूछा तो आप बता दीजिए कि एक तरह का फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, और इसके बारे में जो एपोगैमी एपोस्पोरी लिखा हुआ आप उसको लिख दीजिए। उसके बाद पार्थिनोकार्पी, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसे करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक 2 मार्क्स के लिए शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है या 1 सेंटेंस में। पॉली एम्ब्रियोनी स्टूडेंट, इसे भी ध्यान दीजिएगा, पॉली एम्ब्रियोनी का जितना मार्क किया हूँ उतना ही, उसके नीचे तो और भी चीजें बट क्रॉस कर दिया हूँ, उसे नहीं करना। तो ध्यान रहे पहला चैप्टर हमने कर लिया, और याद रहे एक्सरसाइज में जितने भी MCQs हैं प्लीज उस पर फोकस कीजिएगा। MCQs तो वैसे भी हम कहीं ना कहीं जुगाड़ लगा के कर ही लेते हैं, बट फिर भी MCQs हम पूरा नहीं पढ़ रहे हैं, हम चीजें इंपॉर्टेंट पे ध्यान दे रहे हैं, तो शायद हमारे सारे MCQs ना कवर हों, इसलिए एक्सरसाइज में जितने भी हमारे MCQs दिए हुए हैं उस पर आप प्लीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ से MCQs आने के चांसेस हैं। ठीक है, उसके बाद वाला जो है सेकेंड चैप्टर स्टार्ट होता है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, मतलब हायर एनिमल्स, और हायर एनिमल्स में यहाँ पे ह्यूमन का रिप्रोडक्शन दिया है, जिसमें हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरी तरह से रिड्यूस है, तो इस फर्स्ट पेज में कुछ भी नहीं है, इसलिए मैंने इसे हाथ नहीं लगाया। इसके बाद आता है सेकेंड वाला पेज, यहाँ पे स्टार्ट होता है स्टूडेंट ह्यूमन रिप्रोडक्शन, 90 नंबर पेज पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है, और ध्यान रहे इसमें जो जो चीजें मैं आपको कहूँ प्लीज आप उस पर फोकस कीजिएगा। इसमें स्टूडेंट आपको क्या करना है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा बाय हार्ट कर लो, टेस्टिस क्या है, वास डिफरेंस क्या है, वास डिफरेंस क्या है,
प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, कॉपर ग्लैंड क्या है, यूरेथ्रा क्या है, पेनिस क्या है, इस सारे पार्ट्स के डायग्राम नेमिंग के साथ कर लीजिए, और उसके बाद टीएस ऑफ टेस्टिस इसे कर लीजिए, ठीक है। और अगर इसके डायग्राम्स कर रहे हो तो सीधी सी बात है थियरी तो करनी पड़ेगी, तो आपको थियरी भी कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे वो प्लांट्स के जो ह्यूमन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो पार्ट्स होते हैं, एक्सेसरी डक्ट, प्रोस्टेट ग्लैंड और बाकी के जो कॉपर ग्लैंड है, इस सब के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। आप अगर इसे पढ़ भी लेते हो इत्मीनान से तो भी आपको समझ आएगा, आप अपनी ओन लैंग्वेज में लिख सकते हो, सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हो, कोई जरूरत नहीं है कि बुक में जैसा है वैसा ही लिखो लिखो, लेकिन इसी के बारे में लिखना है। हम क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा बताने लगते हैं कि टीचर को लगेगा पैराग्राफ भरकर दिया हुआ है स्टूडेंट ने तो शायद इसे मार्क्स दे दिया जाए। नहीं, अब टीचर वैसे नहीं है, चीजों को पढ़ते हैं उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे सीमेन के बारे में दिया है, ठीक, स्क्रॉटम के बारे में, ठीक। उसके बाद ओवरी के बारे में, यहाँ पे स्टूडेंट ओवरी के बारे में नहीं दिया हुआ है, मैंने ओवरी के बारे में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यस यस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताया है, और यहाँ पे ओवरी भी आपको मार्क करनी है। और ये फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिख रहा है आपको, दो फैलोपियन ट्यूब दिख रहा है और यूटरस दिख रहा है, ओवरी दिख रही है, इसे आपको याद कर लेना है। ऐसे डायग्राम दोनों मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से कोई एक आ सकता है, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। इसके बाद एक पार्ट नहीं करना है हिस्टोलॉजी, पेज नंबर 23 पूरी तरह से मैंने क्रॉस कर दिया है, पेज नंबर 24 पे स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, ध्यान रहे ग्राफियन फॉलिकल का डेवलपमेंट कैसे होता है, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, ग्रैनुलोसा सेल कैसे एक ओव्यूल को डेवलप करती है वो बताना है, ठीक। उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बताएगा, ओविडक्ट क्या है, एम्फीला क्या है, स्टमस क्या है, यूट्रस क्या है, फंडस क्या है, बॉडी क्या है, सर्विक्स क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में दो दो तीन तीन लाइन जो पता हो, जो जो लाइन, जरूरी नहीं है कि आपको अगर इसमें जैसे यूट्रस में लिखा है इट इज कॉमनली आल्सो कॉल्ड एज अ वूम्ब, अगर आपको ये लग रहा है कि मुझे याद रहेगा तो सेंटेंस याद करो वरना आगे बढ़ो। इट इज अ हॉलो मस्कुलर पियर शेप्ड ऑर्गन लोकेटेड अबव एंड बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर, अगर आपको ये सेंटेंस याद हो रहा है तो आगे नहीं याद कीजिए वरना आगे बढ़िए। इट इज अबाउट, तो जरूरी नहीं आपको पांच लाइन का दिया वही लिखिए, आपको दो लाइन याद हो रहा है इसमें तो दो लाइन ही उठाइए, ठीक, लेकिन उठाइए जरूर, लिखिए जरूर, ठीक। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं पेज नंबर 25 में एक्सेसरी ग्लैंड्स जो फीमेल्स में होते हैं उन्हें ध्यान रखना है, मैमरी ग्लैंड्स के पिक्चर इंपॉर्टेंट है आ सकते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में पूछा जा सकता है, फीमेल में एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या होता है, वल्वा में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं वो हम पढ़ेंगे उसमें देखेंगे तो हमें समझेगा कि वजाइना होता है, यूट्रेथ्रा होता है, बैथुलिन ग्लैंड्स होता है, क्लाइटोरिस होती है, लेबिया मेजोरा होता है, माइनोरा होता है, हाइमेंस होता है, ये सब लिखा हुआ है, आप पढ़िए प्लीज आपको मिलेगा, हम अभी पढ़ा नहीं रहे आपको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। प्यूबर्टी सेक्सुअल मैच्योरिटी इन फीमेल, किस तरह से फीमेल में प्यूबर्टी आती है मैंने क्रॉस किया है मत कीजिए, मैक्सवेल साइकिल का किया है क्रॉस किया है मत कीजिए, उसके बाद मैक्सवेल फेज क्रॉस किया है मत कीजिए, प्यूबर्टी क्रॉस किया है मत कीजिए, ठीक।
यहाँ पे स्टूडेंट मैचुरल फेस और प्यूबर्टी, सीमेन मैच्योरिटी मेल्स, एक पार्ट जो मैंने क्रॉस किया है नहीं करना है। देखिए यहाँ पर भी पूरी तरह से क्रॉस्ड है, इसे भी नहीं करना है। ठीक, ध्यान रखिएगा मैं कौन कौन सी चीजें यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर भी क्रॉस किया है, हाँ यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस में पूछा जा सकता है, या स्पर्मेटोजेनेसिस या ओजेनेसिस, दोनों में से कोई एक जरूर आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के पूरे स्टेप याद कर लीजिए आप, प्राइमोर्डियल से स्पर्म, प्राइमरी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कैसे बनते हैं इसको पूरा बाहर कर लीजिए। ठीक, उसके बाद दूसरा दूसरा जो है यहाँ पे आता है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी आप ध्यान दीजिए। उसके बाद आता है ओजेनेसिस, इस पे भी आप ध्यान दीजिए। ठीक, ओजेनेसिस या स्पर्मेटोजेनेसिस दोनों में से एक आ सकता है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ठीक, उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर आता है एग का स्ट्रक्चर, एक्चुअली सेकेंडरी साइट है, ऐसे स्ट्रक्चर आपको दे सकते हैं पूछकर, एंड फर्टिलाइज एग बोल सकते हैं, सेकेंडरी साइट बोलकर स्ट्रक्चर ऐसे दे सकते हैं। अब ध्यान रहे दोनों इसी का नाम है, एग और या सेकेंडरी साइट। ठीक, इसके बाद ये पूरी तरह से मैंने क्रॉस किया है, इसे नहीं करना है, फर्टिलाइजेशन के सारे स्टेप्स। ठीक, यहाँ पर जो नेक्स्ट पेज पर है इसे भी मैंने पूरी तरह से क्रॉस किया है, इसे भी नहीं करना है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट नहीं करना है। यहाँ पर ब्लास्टुला क्लीवेज या फॉर्मेशन कैसे होता है इसका स्टेप याद रखना है। ठीक, स्टेप याद रखोगे तो इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट में। ठीक, बाकी ये सारी चीजें क्रॉस कर दिए हैं, क्रॉस कर दिए हैं, क्रॉस, या ग्रेस्टुला का स्ट्रक्चर आ सकता है स्टूडेंट, ब्लास्टुला के बाद मोरिला, मोरिला मोरिला के बाद ब्लास्टुला, ब्लास्टुला के बाद गैस्टुला बनता है, और गैस्टुला में एक्टो एंडोमेजो डर्म लेयर कैसे डेवलप होती है वो आपको इसमें दिखाना है। सो गैस्टुला का डायग्राम ध्यान रखिएगा, ठीक, इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने मार्क किया, बाकी सबको क्रॉस कर दिया। और फेट ऑफ जर्म लेयर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टोडर्म क्या बनाती है, मेजो क्या बनाता है, एंडो क्या बनाता है, इसे भी ध्यान रखना है। देन उसके बाद जितनी भी चीजें मैंने क्रॉस करी हैं इस पेज पे 35 पे, देन 36 में स्ट्रक्चर ऑफ प्लासेंटा, प्लासेंटा के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक, प्लासेंटा का पार्ट आप कर लीजिएगा, उसके डायग्राम भी, और इसके बाद आगे पार्चुरेशन वाले पार्ट पे आ जाइए, किस तरह से बेबी पूरी तरह से डिलीवर होता है, अब उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, अलग अलग स्टेज, डायलेशन स्टेज क्या होता है, एक्सपल्शन स्टेज क्या होता है, आफ्टर बर्थ क्या होता है, बाकी ये डायग्राम इसमें नहीं करना है। और उसके बाद लैक्टेशन का पार्ट और रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्रॉस कर दिया है मैंने, यहाँ पे सभी चीजें क्रॉस की है। बर्थ कंट्रोल में आ जाते हैं, इसमें टेम्परेरी और परमानेंट मेथड आपको बताना है। टेम्परेरी मेथड क्या है, इसमें लिखी है चीजें, आप अगर पढ़ भी लेते हो, यूट्यूब पे वीडियो भी देख लेते हो तो आपको समझ आ जाएगा। और परमानेंट मेथड में ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी वो बताया गया है, उसे आप कर लीजिए। बाकी डायग्राम आपको वैसेक्टोमी का ध्यान रखिएगा, टी कॉपर का, बाकी ये यहाँ पे जायफ्राम का दिया है और लिप हुक का, लिप लोब का दिया है, वो नहीं करना है आपको। उसके बाद यहाँ पे जो ट्यूबेक्टोमी वैसेक्टोमी का किया उसे आपको करना है, और यहाँ पर एमनियोसेंटेसिस का नहीं करना है, उसके आगे भी मैंने क्रॉस किया है, और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का करना है, एक टेबल आपको बाहर करना है, ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। सिफिलिस और गोनोरिया क्या है, एड्स के जैसे होने वाली ये भी बीमारियां हैं जो एसटीडी के थ्रू फैलती हैं। ठीक, उसके बाद इनफर्टिलिटी क्या होती है, एसटीडी बेबी, जिफ्ट, गिफ्ट और आईवीएफ। ठीक है, ये जितने भी स्टेप्स हैं आपको याद रखना है, लास्ट में एडेप्टेशन को क्रॉस कर दिया हूँ, नहीं करना। तो याद रहे स्टूडेंट, यहाँ पर ये सारे इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दिए। ठीक, इसके बाद आता है थर्ड वाला चैप्टर, सो होप कि आप मार्क करते होंगे और आपको समझ आ रहा होगा। स्टूडेंट ये मैं मेरे एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ, और मैंने हर बार के पेपर दिखे हैं जिसके अकॉर्डिंग जो जो चीजें आई हैं मैं वो चीजें आपको बता रहा हूँ, तो प्लीज आप ध्यान दीजिए और वीडियो में बने रहिए। सो इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के बारे में बात करते हैं। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में अगर आप जाते हो, फर्स्ट पेज पूरा क्रॉस कर दिया, उसके बाद सेकेंड पेज आता है जेनेटिक टर्मिनोलॉजी। ये वन सेंटेंस में जितने भी ब्लू कलर से दिए हैं, यानी कि कैरेक्टर, ट्रेट्स, फैक्टर, जीन, अलील, डोमिनेंट, मोनोहाइब्रिड, प्योर लाइन, सभी आपको करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएमपी करके मैंने लिखा है। देन इसके बाद स्टूडेंट ये पूरी टर्मिनोलॉजी है। इसके बाद आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये तीनों लॉज आप कर लीजिएगा, ये आपके लिए अच्छा है, और जितना मैंने मार्क्ड किया है उतना कर लो तो काफी बेहतर है, आपको ज्यादा पढ़ने भी नहीं पड़ेंगे, स्टेटमेंट ही मैंने मार्क करके आपको दिए हैं। ठीक, इसके बाद आते हैं बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस क्या है। बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस को मैंने यहाँ पे मार्क किया है, करना है, एंड देन डेविएशन फ्रॉम मेंडल फाइंडिंग में, ये देखिए टेस्ट क्रॉस का मैंने डायग्राम बताया है,
इसको इंपॉर्टेंस है। इंट्राजेनिक और इंटरजेनिक इंटरैक्शन क्या है वो कर लीजिए। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस इसे कर लीजिए। मल्टीपल अलील आप कर लीजिए। पैलियोट्रॉपी कर लीजिए। देन इसके बाद ये पूरा का पूरा पार्ट क्रॉस कर दिया, नहीं करना क्रोमोसोमल थियरी वगैरह कुछ नहीं। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम आप नीचे देखें तो मार्क किया हो, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम आपको करना है, ठीक। देन इसके बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर यही आपको क्रोमोसोम के बनाने हैं, और इसके बाद स्ट्रक्चर क्रोमोसोम को एक्सप्लेन करने के बाद आप सेक्स क्रोमोसोम बता दीजिए, एक्स और वाई क्या होता है ये भी पूछा जा सकता है। उसके बाद लिंकेज में आपको दो ही करना है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिंकेज, बाकी सभी सेक्स लिंकेज क्रॉसिंग ओवर आप क्रॉस कर दो, ठीक है। देन इसके बाद आता है स्टूडेंट मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट, इसको आप क्रॉस कर दो। अगर हाँ भी जाता है तो आप नहीं बनाओगे, मुझे पूरा पता है, तो बेटर है कि आप इसमें समय ना दो। जो इसमें आप समय दोगे उसके अलावा आप एक्स्ट्रा डिजीज वगैरह जो दिया है, सेक्स से रिलेटेड जो डिजीज होते हैं उसको आप कर सकते हो। विडोपिक यहाँ पे दिया है, फिनाइल कीटोन यूरिया दिया है, ऑटोसोमल इनहेरिटेंस दिया है, सेक्स लिंक इंटरक्शन इनहेरिटेंस, एक्स लिंक जो होते हैं, वाई लिंक डिजीज जो होते हैं, कलर ब्लाइंडेड हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। ये जितने भी आगे की जितने भी डिजीज वगैरह है आपको करने हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन बींग में कैसा होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन बर्ड में कैसा होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन हनी बी में कैसा होता है, ठीक है। और लास्ट में कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर दिए हैं, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, थैलासेमिया, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, इसे आपको करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई एक जेनेटिक डिसऑर्डर आ सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने 3 चैप्टर कंप्लीट करा दिया आपका, इसमें क्या क्या करने हैं मैंने आपको बताया। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर आता है नेक्स्ट वाला, याद रहे एमसीक्यू सभी एक्सरसाइज के करने हैं। मॉलिक्युलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये तो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रिड्यूस भी नहीं है, लोगों को लगता है कि इसमें कितना पढ़ना है, बहुत पढ़ना है। हाँ स्टूडेंट पढ़ना तो है, लेकिन जिस हिसाब से आपके पास अभी एक दिन का समय बचा हुआ है तो आपके पास फिर ज्यादा पढ़ने का समय नहीं है, तो बेटर है कि हम वही चीजें कर लें जिससे हमारे मार्क्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट बताया गया है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट आप छोड़कर मत आइएगा, अगर आता है तो करके आइए, बहुत सिंपल है। आपको माइस छोटे से बनाना है, या माइस नहीं बनाते, टेस्ट ट्यूब बना के आप निडल सिरिंज बनाकर आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। देन इसके बाद एवरी मैकार्टी मैक्लियोइड एक्सपेरिमेंट और हर्सी चेस का एक्सपेरिमेंट, ये आपको आ सकता है एग्जाम में, ठीक। डीएनए पैकेजिंग इंपॉर्टेंट है, इवन प्रोकैरियोट्स में भी कैसे होता है और यूकैरियोट में भी कैसे होता है, इसे आपको कर लेना है। इसके बाद डीएनए पैकेजिंग के बाद आता है डीएनए रेप्लिकेशन, बच्चा मत कीजिए, इसमें आपको डायग्राम भी अगर गलत बन गया, ओका जाकी फ्रैगमेंट कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस, आपने पोलैरिटी रॉन्ग दिखा दी, आपके मार्क्स वही जाएंगे, आपकी सारी मेहनत गई, और बाद में एग्जाम में मार्क्स नहीं आए, सर हम तो लिख के आए थे हमें मार्क्स नहीं मिला, तो प्रॉब्लम आ सकती है, तो प्लीज इसे मैंने क्रॉस कर दिया। हाँ रेप्लिकेशन के लिए आप ये डायग्राम बना सकते हो अगर आपको याद हो पाए तो, ठीक। चलो आगे बढ़ते, यहाँ पर पूरी तरह से मैंने पेज को क्रॉस किया है तो इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको। देन इसके बाद 77 पेज पे यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस बताया, सेंट्रल डोगमा, बाकी सब क्रॉस निकाल दीजिए, सेंट्रल डोगमा करना है इसमें स्टूडेंट, सेंट्रल डोगमा पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद 78 पूरा क्रॉस कर दो। देन 79 पूरा क्रॉस कर दिया है। Then 80 पूरा क्रॉस। देन इसके बाद आगे का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई एक भी कैरेक्टर उठा के आप पूछ सकते हैं एग्जामिनर। यहाँ पे पूछा गया है जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट कोड, आप एक्सप्लेन कीजिए, दो मार्क्स का आ सकता है, इसलिए जेनेटिक कोड के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्लीज अच्छे से पढ़कर जाइए आप, ठीक है। उसके बाद आता है ये पार्ट टीआरएनए ट्रांसलेशन, पूरा क्रॉस कीजिए। देन इसके बाद नेक्स्ट पेज, ये भी पूरा आप क्रॉस कीजिए। देन इसके बाद वाला नेक्स्ट पेज, ये भी आप क्रॉस कीजिए। ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट, ये भी आप कहोगे सर आप पूरी तरह से फुल कॉन्फिडेंस में बता रहे हो, बच्चा जितना बता रहा हूँ उतना आप कर लीजिए, डेफिनेटली आपके मार्क्स आएंगे, ठीक है। अगर आपको ऐसा नहीं कि जो मैंने क्रॉस कर दिया नहीं आएंगे, आ सकते हैं, लेकिन चांसेस ज़्यादातर इसी के हैं, 70-80%, तो बेटर है कि आप इस पर थोड़ा फोकस कीजिए। देन इसके बाद ये वाला पार्ट लैक ऑपरेंड को निकाल देना है, रोल ऑफ लैक्टोज निकाल दो। इसके बाद जेनोमिक्स आप निकाल दो। हाँ यहाँ पे आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट करना है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 5 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, ये इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कितने टोटल
जीन थे, ब्लूप्रिंट क्या है, कितने कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था इसमें, वो सब बताने हैं आपको। देन इसके बाद आपको ये टेबल याद रखना है। वन सेंटेंस में पूछ सकते हैं एमसीक्यूज में कि ह्यूमन में, माउस में, फ्रूट फ्लाई में, प्लांट में कितने जेनेटिक मटेरियल, क्रोमोसोम और कितने कोड बेस पेयर पाए जाते हैं, तो टेबल याद रहे। डीएनए फिंगरप्रिंट आपको स्टेप वाइज आने चाहिए। आप पूरे स्टेप डीएनए फिंगरप्रिंट के पढ़ लीजिए प्लीज, इम्पॉर्टेंट है। बस इसमें क्या हुआ, मोस्ट ऑफ चीजें तो मैंने निकाल दी। अब आप इतना भी नहीं कर पाओगे तो फिर आप चैप्टर ही स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट याद रहे ये पूरा रिड्यूस नहीं है, पूरे के पूरे चैप्टर दिए हैं, इस चैप्टर को पूरा करना है तो आपके मार्क्स भी उतने लॉस हो सकते हैं। तो ध्यान रहे चीजें वही करनी है जो मैंने बताया है। इसके बाद स्टूडेंट आता है फोर्थ फिफ्थ चैप्टर, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन लाइफ। इसमें तो पूरी चीजें रिड्यूस कर दी गई हैं, तो आप यहाँ पे ये सब चीजें जो मैंने यहाँ पे स्क्रॉल करते जा रहा हूँ नहीं है, नहीं है। जो चीजें हैं उसमें क्या पढ़ना नहीं पढ़ना वो मैंने उस पर मैंने काम किया है, उस पर मैंने आपको मार्किंग करके दिया है। आप ऐसा सोचे जाने आप यहाँ तो सर मार्किंग नहीं है, इस पर क्या करना है, ये सब रिड्यूस्ड है। जो रिड्यूस्ड सिलेबस पार्ट है जिसमें से जो चीजें दी गई वही मैंने बोला कि क्या क्या पढ़ना है। जैसे यहाँ पे मेंडेलियन सिंथेटिक थियरी, सो यहाँ पे मेंडेलियन पॉपुलेशन सब क्रॉस किया, जेनेटिक वेरिएशन करना है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक फ्लो, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट और क्रोमोसोमल एबरेशन, नेचुरल सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचुरल सिलेक्शन इसको आप कीजिए, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन का पे टॉपिक पे क्वेश्चन बन सकता है और आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जियोग्राफिकल आइसोलेशन पूरा क्रॉस किया हूँ, आगे का पूरा पार्ट मैंने क्रॉस किया है, ठीक। इसके बाद आ जाते हैं पूरा लास्ट में ह्यूमन इवोल्यूशन का जो चार्ट दिया है, आप इसको आप आधे घंटे भी लेकर बैठ जाते हो तो कुछ चीजें याद हो जाएंगी। आपको यहाँ पे सिक्वेंस में पढ़ना है, ड्रायपिथिकस पहले आए ह्यूमन इवोल्यूशन में, और ह्यूमन इवोल्यूशन में फिर सेकेंड रैमापिथिकस, प्लोपिथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, नेंडरथल्स, होमो सेपियंस, तो आपको इस सीक्वेंस में जाना है। आप इसे भी पढ़ लीजिए, ठीक है, तो आपके लिए बेहतर है। इसमें पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं, दो मार्क्स से भी। आप बोलेंगे ड्राई फिजिक्स के बारे में बताइए, अब बताना उसका अपीयरेंस कैसा है, उसका फॉसिल रिकॉर्ड क्या है, पीरियड कब से कब तक था, स्केलेटन फीचर कैसा, उसका पोस्चर कैसा है, आप पढ़ लीजिए ना, आप पढ़ लीजिए और आप इसको मन में ऐसे बैठा लीजिए, सोचकर इमेजिन करके आप इंटरनेट से पिक्चर्स निकाल लीजिए। आपको ये बाय हार्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यही पार्ट है ह्यूमन इवोल्यूशन से, कोई ना कोई क्वेश्चन बन सकता है और आ सकता है, ठीक। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे आता है सिक्स्थ चैप्टर, जो आपको इसके नेक्स्ट पार्ट वाले वीडियो में मिलने वाला है। तो यहाँ तक स्टूडेंट हमने फाइव चैप्टर्स कर लिए हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको फाइव चैप्टर्स के मिल जाएंगे, देन उसके नेक्स्ट वीडियो में आपको फाइव चैप्टर्स के मिल जाएंगे। तो प्लीज होप कि आपको समझ आया होगा, और आप इस वीडियो को पॉज करके या स्लो मोशन में करके आप मार्क कर सकते हो, आप वो चीजें पढ़ सकते हो। ये सारी मार्किंग करने के बाद स्टूडेंट मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हमें आंसर को एग्जाम में लिखना है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, अगर आपने ये नहीं किया तो आपको पढ़कर भी मतलब नहीं है, क्योंकि आप सारे स्टूडेंट एक जैसे ही एग्जाम में लिख कर आओगे, मुझे पता है। सो बेटर है कि आप उस वीडियो को जरूर देखना जो कि लास्ट पार्ट में रहेगा, पार्ट थ्री में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेकेंड पार्ट में आगे के सिक्स टू 10 चैप्टर्स के इम्पोर्टेंस के बारे में।